Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. आप क्रिकेट से अगर समाज को मैसेज देना चाह रहे हैं तो ये कैसे आपको आइडिया आया कि ये भी एक माध्यम हो सकता है? धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बातचीत के लिए बुलाने के लिए। देखिए, क्रिकेट जो है ना वो हमारे खून में है और जो चीज़ खून में बसती है उसके लिए आप हमसे पूछें कि आइडिया, नहीं, आइडिया तो खून से आ रहा है क्या कि क्रिकेट तो तब भी खेली जाती थी जब हम लोग ईंट की दीवार बना करके विकेट बनाते थे और पटरे का बल्ला लेकर क्रिकेट खेलते थे। लेकिन तब की क्रिकेट में दो ही चीज़ थी, 11 प्लेयर खेलते थे, 4 या 5 प्लेयर उनके स्टैंड बाई रखे जाते थे और 15 लोगों की टीम होती थी। उसके बाद बात करें तो हमारे प्लेयर्स के लिए केवल 2 जगह बचती थी, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। लेकिन क्रिकेट खेलने वालों की जो जमात थी ना वो 40 करोड़ से ज़्यादा थी और देश की आबादी उस समय 90 से 100 करोड़ के बीच में थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी उम्मीद जिसने कपिल देव को वर्ल्ड कप लाते हुए देखा है, उसका जुनून वो कैसे पूरा होता है उस छोटे से क्रिकेट में जिसको हम सफ़ेद कपड़े की क्रिकेट कहते हैं। और ये जो घोड़ा ब्रांड क्रिकेटर जो मैंने लिखा, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस देश में क्रिकेट का जुनून किस जमीन से पैदा होकर के कहाँ तक जाता है और किस तरह से इसने लोगों की ज़िंदगी को बदला है और ये हमारे भीतर किस तरह से समाया हुआ है। तो सर, व्यंग और क्रिकेट इसको कैसे कनेक्ट करते हैं आप? बहुत बढ़िया आपने बात कही है। देखिए, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो इसमें 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम छक्के की बात करते हैं, सिक्सर, तो सिक्सर में इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्सर में केवल टाइमिंग का फर्क है। अगर सही टाइमिंग हुई तो बॉल बाउंड्री रेखा के बाहर चली जाती है और अगर टाइमिंग गलत हो गई तो प्लेयर कैच आउट हो जाता है। और यही होता है जब LPW होता है, जब बॉल ने टर्न किया और बैट्समैन ने जज कर लिया तब तो वो मार देगा और नहीं तो गुगली हुई तो LPW हो जाएगा। और यही व्यंग है। क्रिकेट से व्यंग इस तरह जुड़ता है कि व्यंग की अगर टाइमिंग सही होगी ना तो वो व्यंग जो है वो आसमान छू लेगा और व्यंग की टाइमिंग खराब हो गई तो आप समझिए कि व्यंग जो है कूड़ा और कचरा हो जाएगा। तो इसीलिए हास्य में और व्यंग में बड़ी बारीक रेखा है कि व्यंग जो है वो आपके दिल और दिमाग को कुछ इस तरह छूता है कि आपको हंसते हंसते बदल देता है। और किसी को रुला के बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को फोर्स में डाल के बदलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि किसी को हंसते हंसते बदल दिया जाए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।